उठाओ यार ब्लैकी को जरा। अच्छा यूं करो, पहले खुराक बना लो ठीक है, फिर ब्लैकी को फिर उठा के इधर रख देना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हम ना ब्लैकी की खुराक बना रहे हैं, जो हम दोस्तों कल लेकर आए थे ना, आज हम ट्राई करके देखेंगे क्या ये ब्लैकी हमारी फीड खाती है या नहीं खाती। दिखाओ, मैं खोलता हूं। खोल लेगा ना, यहाँ पर लगा दो एक कट। तुम तो जीनियस हो, जीनियस। ये देखो इतना सी देर लगनी थी। अब इसमें डालो। हाँ टेस्टी है। इसमें पानी थोड़ा सा मिक्स करो, क्योंकि सूखा सूखा नहीं खाती। खा लिए? खा रहा था ये? खा रहा था। अबे नहीं खाओ, ये बिल्लियों की है। इसके अंदर से भर लूँ पानी? जैसे लीटर से ताजा भरो। अच्छा हाँ, नल से भरते हैं यार, क्योंकि मछलियों का पानी गंदा भी हो सकता है। ये एहतियात से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बस बस बस, नहीं नहीं काफी है। नहीं बस, अब सही है, अब खाएगी ब्लैकी। हटो भाई, हटो भाई। चला भाई, चलो भाई खा लो। आइडिया कामयाब हुआ भाई। चलो भाई ऊपर, अब खाओ तो। नहीं तो मुर्गी आएंगी और इसकी सारी पीठ खा लेंगी। चलो यहाँ पर खाती रहो आराम से। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी बकरी ना बिल्कुल ठीक हो गई है। हमने अपनी बकरी को सिर्फ एक डोज दी थी दवाई की, और रात के टाइम दोस्तों हमारी बकरी की ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसके मोशन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो देखें दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना मुर्गियां आती हैं, अब यहाँ पर भी पहुँच गई हैं। काम चेक करें यार इसके। चलो भागो। ओ गई नीचे, आ जाएगी। और ये बात तुमने नोट की है, ब्लैकी उनको मार भी नहीं रही थी, उनके साथ शेयर कर रही थी, यानी कि हमारी ब्लैकी बहुत ही दोस्ताना रवैया अख्तियार करती है। चलो भाई डालो, इनको भी खाना डालना यार, भूल गए थे हम, ये भी डाल लेते हैं, तो ये भी खा लेंगे। क्या ही बात है। खाओ 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 खाओ। ब्लैक मछलियां भी बहुत प्यारी लगती हैं, बड़ी वाली तो वैसे भी लगती हैं, लेकिन ये छोटी वाली और प्यारी लगती हैं मुझे तो यार। यार फाउंटेन को ब्लैक फिश से फुल कर दें सकते हैं? अच्छा करेंगे, ये भी करेंगे। कोई ब्लैक फिश से पहले ना हम हीटर वगैरह लगा लेंगे, फाउंटेन की प्रॉपर सेटिंग करेंगे, उसके बाद नई मछलियां वगैरह लेके आएंगे। कंगनी और सूरजमुखी का बीज इसमें भर के हो सकते हैं, जाओ। मुझे लगता है दोस्तों ये हमारे बजी ना अंधा है, इसके सामने देखे मैं हाथ करूंगा ना, इसको पता नहीं चलता कि कोई चीज मेरे सामने आ रही है। मैं इसको पकड़ता हूँ, देखेगा। आजो भाई, आजो आजो। ये इस तरह से करता है जब बाहर घूमता है, मेरे ख्याल में इसको नजर कुछ भी नहीं आता, बेचारे की आंखों का मसला है। जाओ भाई, जाओ। दाने के पास आ गया है, मतलब ये अंधा नहीं है सिप्तान, इसको दाना नजर नहीं आता, नहीं तो हम समझ रहे हैं कि ये अंधा है। अंधा नहीं है, पागल हो गया, मतलब दिमाग वाला की बीमारी आती है ना, उस तरह से रिएक्शन। बिल्ला कुत्ता है जो पागल हो जाएगा, बिल्ली में तो होता है यार, हर कोई जानवर हो सकता है। चले, वो जो मैं बकरी के लिए लेकर आया था ना सिप्तान, हाँ। वो इस पानी में डाल दो, फ्रेश पानी में। वो तो बकरी की है। नहीं, नहीं वो सब परिंदों के लिए, पीछे परिंदों के सबका लिखा हुआ है, सिर्फ अच्छा। जानवरों के लिए नहीं है, परिंदों के लिए भी है। चलो इंशाल्लाह दोस्तों हमारे बजीज जो बीमार है ये वाला पानी पियेंगे, और बकरी की तरह ये भी एक रात में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार मिनी जू की आपको अपडेट दे दूं, क्या हुआ यहाँ पे, आज जो है ना ईंटें आ चुकी हैं और ये जगह बिल्कुल लेवल हो चुकी है, देखें दीवारें बनना शुरू हो गई है, देखें दीवारों के लिए ईंटें भी आ चुकी हैं, और इन ईंटों को ना पानी भी मारना है, वो भी मैं कुछ मार देता हूं, इस तरह से मारना होता है। हाँ मैं लगाओ पानी, और वो देखें वहाँ से शुरू हो गई दीवारें बनना, यहाँ तक आ जाएंगी तकरीबन अंदाजन, बाकी देखेंगे जो ऐसे ऐसा काम होते रहेंगे वो बताते रहेंगे। हम तो भाई पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन कुछ काम होते हैं जिसमें टाइम लगता है। बन जाएगा भाई अब, हाँ। बेस जो थी वो बन चुकी है, जिस हाँ। पर टाइम लगना होता है, तो दीवारें हफ्ते के अंदर अंदर मेरे घर में खड़ी हो जाएगी। मुझे तो यार सोच के बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर हमारा मुकम्मल जू बन जाएगा, मिनी जू, तो वो कितना ही खूबसूरत लगता है। रुको आराम से, उदास हो ना, ये उदास है भाई, पता है बहुत अच्छा है। हाँ उदास बहुत है, लेकिन जाओ जाओ भाई। चलो इसको अंदर बंद कर दिया हमने, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको उठा क्यों रहा हूँ भाई, क्योंकि हम टिक्की की टेक केयर सही से नहीं कर पा रहे। एक तो ये है बहुत छोटा, एक तो छुपा होता है पता नहीं कहाँ कहाँ, और एक ही जगह पर बैठा होता है, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से हमने यही सोचा, कल भी मैंने बताया था कि हम ना इसका कुछ सोचते हैं, तो सारा हमने सोचा, फिर हमने यही डिसाइड किया कि जहाँ से हम इसको लेके आए थे ना, हम इसको वापस, हाँ टिक्की जो है ना हम इसको आज बाहर रख देते। नहीं वो केला है ना, वो इसलिए वो परेशान है। तो यार हमारे पास इसका पार्टनर भी नहीं है, हमने भाई से पूछा था, उसके पास भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको वापस ही भाई को वापस दे आते हैं, जहाँ से हमने लिया था ना उनको वापस कर लेते हैं। हाँ। देखेंगे यार, अगर इसका पार्टनर वगैरह मिल गया वहाँ से तो वही ले लेंगे शायद, फिर यहाँ पे ये सेट रहे, अगर ना मिला तो इसको हम वापस कर देंगे। चलो
इस फैसले में तुराब का भी हाथ है, तुराब ने भी हमें यही मशवरा दिया कि ऐसे ही करते हैं। दरअसल दोस्तों हमारा टिक्की ना मुझसे बहुत ज्यादा डरता है, मैं समझ रहा था ये टेम है लेकिन ये मुझसे बहुत ज्यादा डरता है। मैं इसको खाना देता हूँ ना मेरे पास नहीं आता, उस टाइम मैं जब चला जाता हूँ ना फिर चोरी चोरी खा रहा होता है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अब खा रहा है यार सिप्ता ने, अब तो खा रहा है, अब बंद है ना पिंजरे में, ऐसे तो रख नहीं सकते यार किसी को, इसका प्रॉपर घर होता होगा ना। अगर फीमेल मिल गई तो फीमेल लेकर आ जाएगा। हाँ वो मैंने बोला है। हाँ ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर इसके ना हम वापस उस भाई को दे देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आज आज है ना। शॉप पर पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने लिया था, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है भाई, दरअसल ये गिनी ना बहुत ज्यादा सैड था उधर, तो अगर अकेला था ना, मिल जाती है ना आपको फिर हमें आप लाजमी बताएगा। आपको उधर अकेला हम मास्टर केज में रखा हुआ था, बहुत ज्यादा ये लग रहा था। टिक्की को तो हमने रख दिया है, तो टिक्की को हो गया हमारी तरफ से बाय बाय। और यहाँ पर कुछ देखते हैं, तो आप कहाँ जा रहे हो? इधर आओ भाई, फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाता है यहीं से ले लेते हैं ना। यहाँ पर भाई ये बर्ड्स हमारे पास हैं बड़े, बजीज हैं बड़े और कबूतर लोग ये भी आए हुए इधर। अबे ये तो उड़ रही होती है इधर पार्क में, दो सेकंड हम देख पाते थे फिर ये उड़ जाती थी, वही परिंदा जो पार्क में मिलता है। ये हमारे अपने शौक के लिए फॉर सेल। अच्छा अच्छा भैया, हमारा भी शौक है यार, हम भी ले लेते हैं। क्या इसमें क्या है यार, निकालो यार, ये अच्छा लग रहा है, आगे जा नहीं रहा। इसको हम पालते हैं अपने पास, वैसे भी तंग है, छोटी सी जगह पर है यार, निकालो भाई इसको यार, निकालो कर दे। ये हमारे पास फोर सेल नहीं होती है, बस ऐसे ही एक आया है। अच्छा, अगर आपको लेना मैं दे देता हूँ, लेकिन ये हम सेल नहीं करते। चलो यार, चलो आप दे दो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। पक्का ये चाहिए? हाँ हाँ हो, हाँ यही चाहिए। यार हमने हुद हुद लिया है जो कि हमने आज तक नहीं लिया, यहाँ पर नजर आया तो ले लिया, वैसे हमारा आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मिल जाएगा, बस जो चीज़ हमें अच्छी लगती है मार्केट में हम ले लेते हैं। सही है, प्यारी है। चलें जी, यार हुदूद ले लिया हमने, तो इसको देखेंगे, अगर ये खुश रही तो हमने पास रख लेंगे, नहीं तो इसको आज़ाद कर देंगे। यार अभी हम रास्ते में ही थे और आप सूरज को देखें, ज़्यादा ना देखो यार, ना देखूँ सूरज गिरा ना, सूरज गिरन हुई है भाई, अभी अभी शाम नहीं हुई लेकिन अंधेरा शुरू हो गया है, आधा सूरज छुपा हुआ देखो। हाँ सूरज है लेकिन अंधेरा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमें आइडिया था ना रास्ते में सूरज ग्रहण हो सकता है और वो भी किया है, 2-3 बजे का कह रहे थे कि होगी, अभी क्या टाइम है? अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे हो गई है। आज दोस्तों हमारे सेटअप पर ना हुदहुद आई है, और मैं बचपन में इनको इतना शौक से देखता था ना, और जो ही देखता था फौरन ये उड़ जाती थी, मतलब इतना तेज होती थी। और अब दोस्तों मैं इसको बहुत ही करीब से देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम दोस्तों इसको रख देते हैं इस पिंजरे में। हाँ हम अपने सेटअप पर ज्यादातर आपको पता है कि पेट्स ही रखते हैं, ईगल हमारा जंगली है लेकिन जो ही उसके पर आएंगे ना हम उसको भी आजाद कर देंगे, अभी वो उड़ नहीं पाता। इसको दोस्तों हम 1-2 दिन रिलैक्स करेंगे, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस से दूर हो जाएगा, हम इसको फिर आजाद कर देंगे। और ये है दोस्तों हुदहुद का पानी। आ भाई चलो भाई जाओ, नए घर में आके हैरान हो गया, देख रहे मैं कहाँ आ गया हूँ। इसको ना उस साइड पे लेके चलते हैं ताकि ये खाना पीना करे। चलो जाओ 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 जाओ। और मुर्गियों को देखो हर जगह आ जाती हैं, जाओ। तो चलो यार सिप्तान इसको उठाओ और इसको ऊपर रख दो, ये ना हो कि ब्लैक ही फिर हमला करे और वो और मैना की तरह ये भी खुद ब खुद आजाद हो जाए। चलें दोस्तों यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और 1-2 दिन हम इसको यहाँ पर इसकी टेक केयर करेंगे और फिर कर देंगे हम इसको आजाद। तो चलो यार इसको अपने हार पे छोड़ते हैं, हंसी चलते हैं। यार ये वाला सुरंग छोड़ के ना खरगोश उधर शुरू हो गया बनाना, यार इनकी समझ नहीं आ रही क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक जब बना बना तुम्हारे पास घर है तुम उसको छोड़ के तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वजह तो होगी यार। इधर भी जा रही है, ये क्या हो रहा है? इसको तोड़ देते ऐसे ऐसे बंद कर देते। हाँ हो गया, बहुत कह रहा है यार ये। जाओ 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 जाओ। हुदहुद को हमने ये चीज़ दी है, देखें तो मिक्स दाना है और ये सूरजमुखी के बीज हैं, तो आपने बताना है कि ये खाता है कि नहीं खाता, हमें तो आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ खाता है। और ना उस भाई ने बताया, उसने कहा बस जो चीज़ डालोगे खा लेंगे, कीड़े वगैरह दाने वगैरह जो चीज़ भी डालोगे, तो क्या ऐसा है आपने बताना है कमेंट्स में। ठीक है, शाम हो गई तो इसको भी अंदर बंद कर देते हैं, सारे चूजे ना हम इस बॉक्स में रखेंगे ऐसे। अब सारे कबूतर में दोस्तों अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं और इनको भी हम कर देते हैं बंद।
के घर जाओ, शामों के घर जाओ, चलो 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 चलो। यार शाम होती है ना सारी मुर्गियां इधर चली जाती हैं अंदर खुद ब खुद, थोड़ा सा मैं बस ऐसे डराना होता है इनको, खुद ब खुद चले जाते हैं। ये देखें, जाओ भाई जाओ, इनको कर देते हैं बंद। कुछ यहाँ पर है ये देखें, और कुछ इधर है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।